नमस्कार, मैं हूं नीतीश पटवा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हमारी कानूनी जंग की टीम पूरे बिहार में भ्रमण करते हुए मुखिया व उनके प्रतिनिधि से मिलकर जायजा ले रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आलोक रंजन, कानूनी जंग बिहार प्रदेश पूर्वी चंपारण से। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पूर्वी चंपारण के तेतरिया प्रखंड और ग्राम पंचायत राज मुखिया जी से जानते हैं और मुखिया प्रतिनिधि जी से उनका परिचय लेते हैं। मुखिया जी नमस्कार, आपका नाम क्या होगा मुखिया जी? किशोर यादव। और आपका पंचायत कौन सा हो गया? बहुआरा गोपी सिंह पंचायत। बहुआरा गोपी सिंह पंचायत जी। और बोले हैं मुखिया जी कि आप अपने यहाँ पे जो भी कोरोना के लेकर के आप अभी तक क्या क्या किए हैं? सेंटर बनवाए थे जी जी, जो है कुछ विद्यालय में जी जी, वहाँ पर सारी सुविधाएं जी, चौकी, बेडशीट, तकिया, बाल्टी, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस व्यवस्था करा के वहाँ चालू करा के रखे हैं और काम हो रहा है। यानी कि पूरी व्यवस्था के साथ में आपने, मतलब ताकि बाहर से आने वाले लोगों को कोई कष्ट नहीं हो, ताकि उस ढंग की आप व्यवस्था दिए कि यहीं पे रहे और यहीं पे क्वारंटाइन सेंटर में रह करके अपना 14 दिन बिताए और उस तरीके से निरोग होकर के जाए। जी जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में बोले मुखिया जी, और छिड़काव का मास्क वगैरह ब्लीचिंग पाउडर जो है जी, उसे छिड़काव किए जी पूरे पंचायत में जी। उसके बाद जो चूना जो था जी, उसको छिड़काव करा दिए, जहाँ जहाँ गंभीर रोड के अगल बगल जितना था जी, और उसको छिड़काव करवा दिए, मास्क वितरित करवा दिए, वाशिंग के लिए जो आता जो आता है और सैनिटाइजर वगैरह का भी ये किए सब करवा दिया। अपने से जो बनता है सहयोग में जनता के बीच में लगे हुए हैं कि हमारे जो है पंचायत सुरक्षित रहे, जो पंचायत सुरक्षित रहे तो स्वाभाविक है बिहार का देश हमारा सुरक्षित रहे, इसलिए जो सहयोग हो रहा है हम उससे तत्पर हैं। मुखिया जी, कोरोना के लेकर के आप देश और पंचायत अपने जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो बचेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा बनाए, जो दूरी बना के जो 1 मीटर को बनाया गया है वहाँ तो एक दूसरे से एकदम निश्चित रहना है, मास्क को लगा कर रहना है, कभी भी दूसरे के प्रति दुर्व्यवस्था नहीं सोचना है। मुझे जब हम किसी को सहयोग करेंगे तब हमारी सहयोगी तब हमारी देश बचेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। ये हमारे मुखिया जी पूर्वी चंपारण से नवल किशोर यादव जी हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जहाँ तक हुआ है कोरोना के लेकर के अच्छा संदेश भी दिए हैं और अपने पंचायत में लोगों को हमेशा जागरूक भी करते रहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस बना करके रहना है और भी लॉकडाउन का पालन करें, ये सारे कुछ मुखिया जी बताते रहते हैं लोगों को ताकि कोरोना वायरस की महामारी ना फैले। नमस्कार, मैं आलोक रंजन, कैमरामैन मदन मोहन के साथ।